गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज का आपका कंप्यूटर का असाइनमेंट है बेटा। नेक्स्ट मैम, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर। आज हम पढ़ेंगे बेटा कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर्स। देखिए, द मल्टीप्लीकेशन मेथड इज यूज टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स इंटू डेसिमल नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए बेटा मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज होता है, यानी कि गुणा विधि यूज होती है। टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल नंबर फॉलो दीज स्टेप्स। कुछ स्टेप्स हैं इसकी, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट, गिव पावर ऑफ टू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी कि फर्स्ट गिव पावर्स ऑफ टू, हम टू किस लिए बेटा, क्योंकि बाइनरी हमारा बेस क्या होता है, टू, इसलिए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि जीरो से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्लियर, जैसे हमने बताया कोई भी बाइनरी नंबर में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो वन। ठीक है, तो और डेसिमल में भी उसका बेस टेन होता है, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से नाइन तक। बाइनरी में जीरो और वन, तो हम कहां से, राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ, ये हमारा हो गया राइट, ये होगा लेफ्ट, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू करेंगे। सेकंड है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाई बेस टू एंड द पावर ऑफ इट्स पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, यानी कि उसकी पोजिशनल वैल्यू की जो भी पावर होगी बेटा, हम उतने से उसको मल्टीप्लाई करता कर देंगे। ठीक है, नंबर थ्री, एड ऑल डिजिट टू गेट द डेसिमल नंबर। यानी कि जब भी डिजिट हमारे पास डेसिमल नंबर में आ जाएंगे, हम उनको सारी डिजिट को ऐड कर लेंगे। देखो, अभी एग्जांपल में दिखाएंगे आपको। देखो बेटा, एक एग्जांपल लिया हुआ है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 1101 बेस टू है इंटू अ डेसिमल नंबर। हम बाइनरी नंबर खुद से समझ आए, क्योंकि इस पे बेस में टू है और ये हमें डेसिमल में चेंज करना है। देखो सॉल्यूशन, बाइनरी नंबर हमने लिया 1101 बेस टू, तो क्या बताया था बेटा, राइट से लेफ्ट में शुरू करते हैं, तो हम राइट से गिन लेंगे। हम इस पे कितने नंबर है यहाँ पे हमारे, 1 2 3 4। ठीक है, हमारे फोर नंबर है, और हमेशा हमें कहाँ से शुरू करनी है, जीरो से, तो 0 1 2 3, तो हमारी जीरो से कहाँ तक जाएगी, थ्री तक। क्लियर, देखो जीरो से थ्री तक जाएगी बेटा, 1 1 into 2 की पावर 3, थ्री तक गई है ना, इसलिए। क्लियर, 1 into 2 की पावर 3, और बेटा हम राइट से स्टार्ट करते हैं, यहां से जीरो, यहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3, यानी कि 0 पावर 1 पे आएगी, फिर 1 आएगी 0 पे, फिर 2 आएगी 1 पे, फिर 3 आएगी 1 पे। क्लियर, बाइनरी में हमारा बेस 2 होता है, इसलिए हम 2 पे पावर लगा के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, तो 1 into 2 की पावर 3 प्लस ऐड कर देते आते हैं बेटा सबको, फिर 1 आया 1 into 2 की पावर 2। क्लियर, फिर प्लस 0 था, 0 आ गया हमारा 0 into 2 की पावर 1 प्लस 1 into 2 की पावर 0। एक बात और हमेशा बता दे बेटा, ध्यान रखना, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर, तो ऐसे ही 1 into 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 को हम बेटा 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 into 2 into 2। ठीक है, 3 टाइम्स लिखेंगे तो उसका हमारा आंसर आएगा 8, प्लस कर देंगे 2 की पावर 2 का मतलब 2 into 2, इसका 4 आएगा, 0 का 0, 2 की पावर 1 का 2 एंड 1 into 1, यानी कि हमने बताया किसी की पावर 0, उसका वैल्यू क्या होती है, 1। देन हम इन सबको ऐड करें, 1 into 8 यानी कि 8, 4 into 1 यानी कि 4, 0 into 2 यानी कि किसी भी संख्या में अगर 0 का मल्टीप्लाई करें, या 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, उसका आंसर 0 होता है। ठीक है, तो 0 प्लस 1 1 into 1, सबको ऐड किया 13 आया, 10 हम कह सकते हैं 13 हमारे डेसिमल नंबर क्या आया, 13। ऐसी एक एग्जाम्पल है बेटा, देखो इसमें भी सेम कंडीशन, ये नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे नंबर ये कितने हैं, हमारे पास 7, तो फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7। तो हमारा अब काउंट करो बेटा, हमारा कहाँ तक जाएगा, 0 से 6 तक जाएगा, क्लियर। 0 से स्टार्ट किया हमने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्लियर बेटा। तो हमारा 0 से 6 तक जाएगा। सॉल्यूशन देखो, ये फिर यहां से 1 लिया, 1 × 2 की पावर 6 प्लस 1 × 2 की पावर 5 प्लस 0 × 2 की पावर 4 प्लस, क्लियर है बेटा, ऐसे ही होगा ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।